ये चढ़ा दिया कढ़ाई और छोड़ दिया हल्का सा तेल, आय है हुई हुई। और ये तेल को छोड़ दिया होने के लिए गरम, और जैसे गरम हुआ छोड़ दिया जीरा छन्न से, ओए होए होए होए। अब जीरा जैसे जल के राख होगा हम इसमें डालेंगे हल्का सा थोड़ा सा जरा सा तेज पत्ता। ए देखो भैया गया तेज पत्ता झन्न से। अब इस तेज पत्ते को हम थोड़ा सा चला देंगे और ये चला गया प्याज, ओए हो भर भर के प्याज डाल दो, कड़ाही भर जाना चाहिए। अब आस्ते आस्ते चलाना शुरू करो, ओए हो चलाते रहो चलाते रहो, जब तक लाल होकर जर न जाए काला ना हो जाए चलाते रहो, ओए हो। हम इसको अच्छे तरह से भून रहे हैं और ये एक बार अच्छे से भून जाने के बाद इसमें चला जाएगा मसाले, जिसमें धनिया हल्दी गरम मसाले अदरक लहसुन तेजपत्ता दालचीनी सारे मसाले इसमें मिक्स करके डाला गया है। अब डल जाने के बाद हम इसको भी अच्छे से भूनेंगे, जब तक भूनेंगे तब तक काला ना हो जाए जर ना जाए। एक बार अच्छे से भून जाने के बाद इसमें चला जाएगा 1.5 किलो चिकन, ओए हो ये गया चिकन। अब इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे, इधर उधर मोड़ मार के इसको चलाएंगे। मेरा फेवरेट पोटा कलेजी। अब ये जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें चला जाएगा थोड़ा सा नमक, नमक की बौछारें हमने कर ली है स्वाद के अनुसार। अब इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे, चलाने के बाद इसको हम ढक देंगे। ढक जाने के बाद ये आधे घंटे तक ऐसे पकेगा, पानी सब जब छूट जाएगा तो फिर से इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डाल के खा जाएंगे।